ओके, विल स्टार्ट देन. नमस्कार, मी वैद्य सौ नीलम अनिल बनसोडे, कन्सल्टिंग आयुर्वेदा ॲट ओन क्लिनिक श्री विश्वानंद आयुर्वेदिक चिकित्सालय मगरपट्टा हडपसर. आम्ही इथे गेली 20 वर्ष प्युअर आयुर्वेद ट्रीटमेंट्स रुग्णांना देऊन त्यांच्या तक्रारी दूर करत आहोत. आज आपण एक खूप सुंदर विषय हँडल करण्यासाठी इथे लाईव्ह सेशन घेत आहोत, जो आहे स्किन ब्युटी हेअर आणि आयुर्वेदा. मुलींच्या बाबतीमध्ये किंवा स्त्रियांच्या बाबतीमध्ये स्किन आणि हेअर हा खूप नाजूक आणि आवडणारा असा विषय आहे. पण त्या विषयाकडे वळण्याआधी मी थोडीशी बॅकग्राऊंड तुम्हाला आयुर्वेदाची आणि स्वस्थ राहण्याच्या दृष्टीने काय गोष्टी आवश्यक असतात त्या सांगणं तुम्हाला गरजेचं समजते. कारण आजाराचा विचार तर आपण करणारच आहोत, पण त्याआधी आरोग्याचा विचारसुद्धा आपण करायला हवा. आणि त्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाच्या 2 गोष्टींपासून आपण सुरुवात करूया. एक म्हणजे प्रकृती आणि दुसरं म्हणजे दोष. थँक्यू अर्चनाताई. प्रकृती, वात, पित्त आणि कफ ह्या 3 दोषांनुसार प्रत्येक माणसाची प्रकृती ही तयार होत असते. ज्या वेळेस गर्भ पोटामध्ये येतो, आईच्या पोटामध्ये येत असतो, त्याच वेळेस जे दोष तिथे प्रामुख्याने प्रेझेंट असतात त्यानुसार रुग्णाची प्रकृती ही बनलेली असते. त्यामुळे तुम्ही जेव्हा एखादा आजार घेऊन वैद्यांकडे जाता, वैद्य तुमची नाडी बघतात आणि त्यानुसार तुमची प्रकृती आणि तुमचा आजार ह्यानुसार दोषांची चिकित्सा ही केली जाते. त्यानंतर 7 धातू शरीरामध्ये महत्त्वाचे हे मानलेले आहेत. त्यापैकी महत्त्वाचे म्हणजे रस, जो आहारापासून तयार होतो, रक्त म्हणजे ब्लड जे सगळ्या शरीरामध्ये खेळतं, मांस जे आपल्या सगळ्या शरीरावर मांस आहे, मेद म्हणजे फॅटी लेअर, अस्थि जे हाडांची बळकटी असते. स्त्रियांच्या बाबतीमध्ये हाडांची बळकटी असणं खूप महत्त्वाचं आहे, आपण पुढे याबद्दल बोलूच. या हाडांच्या आतमध्ये असते ती मज्जा, नर्व्स, नर्वस सेल्स किंवा बोन मॅरो आपण ज्याला म्हणतो. आणि नंतर येतो तो शुक्र, स्त्री बीज आणि पुरुष बीज. या 7 धातूंचं स्वास्थ्य जर तुम्ही टिकवलं तर तुम्ही कधीही आजारी पडणार नाही आणि तुम्हाला कधीही डॉक्टरांकडे जाण्याची किंवा औषधं खाण्याची वेळ ही येणार नाही. मग ह्यामध्ये काही जर बिघाड निर्माण झाला तर तो कशामुळे निर्माण होतो? वात, पित्त आणि कफ ह्या 3 दोषांमुळे. दूषयंती इति दोषः, म्हणजे ज्यामुळे आजार निर्माण होतो, ह्या धातूंमध्ये बिघाड निर्माण होतो, त्यांना दोष असं म्हटलेलं आहे. रुग्णाची प्रकृती आणि बिघडलेले दोष, त्याचबरोबर त्या काळात ऋतूमध्ये असणारा बदल, ह्या सर्वांचा विचार हा आजाराच्या दृष्टीने आपल्याला करायला पाहिजे. आणि मुळातच आपल्याला जर वाटत असेल की आपण आजारी पडू नये म्हणून जर आपल्याला काही प्रयत्न करायचे असतील तर ते म्हणजे आहार. सगळ्यात महत्त्वाचा असतो तो त्या व्यक्तीचा आहार. तुम्ही काय जेवण सेवन करता त्यानुसार तुमचे जे दोष आहेत त्यामध्ये होणारे बदल असतात आणि त्यानुसार तुमचे जे आजार निर्माण होतात ते त्या आहारामुळे होतात. तर आपली जर इच्छा असेल की हेल्दी ग्लोईंग स्किन आपली निर्माण व्हावी, त्याच्यामध्ये कुठलेही डाग नसावेत, कुठलेही खड्डे नसावेत, तर आपण कोणता आहार सेवन करतो ह्याच्याकडे सुद्धा लक्ष द्यायला पाहिजे. ज्याप्रमाणे आपल्या मनाचे 3 गुण सांगितलेले आहेत, सत्व, रज आणि तम, त्याच पद्धतीने आहाराचे सुद्धा 3 गुण सांगितलेले आहेत, सत्व, रज आणि तम. सात्विक जेवण करणारी जी लोक असतात त्यांची स्किन ही नेहमी हेल्दी आणि ग्लोईंग राहते. सात्विक याचा अर्थ कसा असू शकतो? तर नित्य दुधाचा वापर, तुपाचा वापर आपल्या जेवणामध्ये असावा, किंवा दुधापासून तयार केलेलं, गाईच्या तुपापासून तयार केलं, लोणी जे असतं गाईचं दुधापासून तयार केलेलं ते असावं. सकाळी आणि रात्री सकस अन्न सेवन करावं. म्हणजे कसं? आयुर्वेद सांगतो की गरम गरम तव्यावरून काढलेली चपाती किंवा गरम वाफाळता भात जो असतो हा दोन्ही जेवणांमध्ये असायला हवा. दुपारचं मळलेलं पीठसुद्धा रात्री खाण्याची परवानगी आयुर्वेद आपल्याला देत नाही. तर मग शिळं अन्न किंवा पर्युषित अन्न जे असतं ते का सेवन करावं? त्यांनी आपल्या शरीराला कोणताही फायदा होत नाही, झाला तर अपायच होत असतो. त्यामुळे दोन्ही जेवणांमध्ये सकस आहार असणं हे फार महत्त्वाचं आहे. चपाती, भाजी, भाकरी, सॅलड्स असणंसुद्धा चांगली गोष्ट आहे, परंतु त्याचं लिमिटेशन हे असावं. शिजवलेलं अन्न हे पचनशक्तीला पूरक असतं,
गरम केलेलं अन्न जे असतं ते, आणि तेच आपण कच्च्या ज्या सॅलड्समध्ये ज्या भाज्या घेतो त्या थोड्याशा पचनशक्तीला जड पडू शकतात, आणि म्हणून त्याचं लिमिटेशन हे आपल्या आहारामध्ये करणं आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे आहारामध्ये किंवा दिवसभराच्या रुटीनमध्ये लिक्विड डाएटचा प्रकार जो आहे तोही व्यवस्थित असायला हवा. पाणी, सरबत, ताक हे आपल्या दिवसभरामध्ये नेहमी असायला पाहिजे. आणि काय खाऊ नये हा विषय जर थोडासा आपण बघायला गेलं तर आता जे जंक फूड जास्त बाजारामध्ये आलेलं आहे किंवा चाटचे जे प्रकार आलेले आहेत ज्याच्यामध्ये आपण भेळ, पाणीपुरीसारखे पदार्थ बघतो ते आपण घेऊ नये. काउंटर प्रोडक्ट्स जे ठेवलेले असतात ते पण आपण शिळेमध्येच त्याला गणत असतो की ज्यामध्ये शिळ्यामध्ये म्हणजे आपण खाकरा, पापड, लोणचे किंवा चकली, शंकरपाळे हे जे काउंटर प्रोडक्ट्स आहेत ते शक्यतो करून टाळावेत. आणि ऑफकोर्स आत्ता जे जास्त बूम आलेलं आहे की पिझ्झा, बर्गर सारखे पदार्थ जे वारंवार खाल्ले जातात ते आपल्या पचनशक्तीला त्रास देतात. त्यातून कोणताही सकस भाग आपल्या शरीरामध्ये तयार होत नाही आणि तो त्यामध्ये असणारं मिठाचं जास्त प्रमाण किंवा मैद्याचं जास्त प्रमाण जे असतं ते आपल्या शरीराला हानिकारक ठरू शकतं. त्यामुळे हे पदार्थ आपण टाळावेत आणि जास्तीत जास्त घरगुती गरम सकस अन्न आपण सेवन करावं. त्याचप्रमाणे अजून एक दुसरा भाग याच्यामध्ये मी सांगेल की तळलेले जे पदार्थ असतात बाहेर जास्त करून खाण्यामध्ये येतात, समोसा, वडापाव हे जे तळलेले पदार्थ खाल्ले जातात तेच घरी तुम्ही तयार करून खाल्ले तर त्याचा इतका त्रास होत नाही. मग ते बाहेरचे खाल्ले त्याचा जास्त त्रास का होतो तर त्या पदार्थापेक्षा त्या तेलाचा परिणाम जास्त येतो. घरी आपण एकदा तळणीसाठी वापरलेलं जे तेल असतं ते पुन्हा स्वयंपाकासाठी वापरत नाही किंवा वापरू नये असं सांगितलं जातं. आणि 10-10, 12-12, 24-24 तास एका कढईमध्ये सतत समोसे तळले जात आहेत, सतत बटाटे वडे हे तळले जात आहेत तर त्याचा नक्कीच अपाय हा आपल्या शरीराला होत असतो. त्याच्यामुळे आपली पचनसंस्था बिघडून, आपला रसधातू बिघडून स्किनवर त्याचा परिणाम येत असतो आणि तिथून सुरुवात होते तुमची स्किन बिघडण्याची किंवा तुमच्या स्किनवर पिंपल्स, डाग किंवा त्वचारोग निर्माण होण्याची. तर त्यामुळे ह्या गोष्टी थोड्याशा लक्षात ठेवाव्या आपण की आहारामध्ये हे बदल आपण आपल्या करून घ्यावेत. पूर्वीच्या काळी असं सांगितलं जायचं ब्राह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठत की सूर्य उगवायच्या आधी आपण उठलं पाहिजे आणि त्यानंतर आपली दिनक्रम हे आपण चालू केला पाहिजे. सूर्य अस्ताला गेल्यानंतर आपण सगळी कामं बंद करून झोपलं पाहिजे. पण आत्ता काय होत आहे की काही आपल्या स्मार्टफोनसारख्या सवयींमुळं असेल किंवा काही जणांच्या शिफ्ट ड्युटीजमुळं असेल रात्रीची जागरणंही वाढलेली आहेत. त्यामुळं काय होतं की आपल्या बॉडी सिस्टम्समध्ये ते बदल होत जात आहेत, तुमच्या जेवणाच्या वेळा बदलत आहेत, वात वाढल्यामुळं वृक्षता शरीरामध्ये वाढते आहे आणि त्याचा डलनेस जो आहे तो स्किनवर दिसून येत आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त जर आपल्याला शक्य होत असेल तर रात्रीची जागरणं ही आपण टाळली पाहिजेत. आत्ता नॉर्मली जरी बघायला गेलं तरी लोक 12-12, 1-1 वाजेपर्यंत जागरण करताना मोबाईल बघत असताना आपल्याला दिसून येतात तर हे चुकीचं आहे. जास्तीत जास्त 10 वाजेपर्यंत सगळं आटपून 11 वाजेपर्यंत तरी झोपलात तरी सकाळी 7 तासानंतर तुमची झोप ही पूर्ण होते आणि त्वचेवर जो तजेलदारपणा दिसायला हवा तो दिसून येतो. त्यानंतर आपण ही थोडीशी एक बेसिक माहिती आपण घेतली आहे की दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार आणि पचनसंस्था यांचा किती चांगला संबंध आपल्या स्किनसोबत असतो. तर आपण आता आपला मेन जो विषय आहे आजचा त्वचा दोष किंवा स्किनची काळजी आणि हिंदी. ओके प्राची, आय विल ट्राय. ओके, त्वचा इसको अगर हम कंसिडर करते हैं तो उसमें पूरे हमारे शरीर में 18,000 स्क्वायर फुट त्वचा होती है और उसमें 20 लाख स्वेद की ग्रंथियां होती हैं. स्वेद की ग्रंथियां जो होती है जो हमारे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. येस प्रियांका, आय विल श्युअरली कम टू दॅट. फर्स्ट आय विल कम्प्लीट द स्किन पार्ट. तो स्किन के बारे में हम अगर देख रहे हैं हमारे पूरे शरीर में 21 डेज के बाद स्किन का नया लेयर तैयार होता जाता है और डेड स्किन जो है वो डेब्रिस निकाल दी जाती है.
स्किन पे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके स्वेदज ग्रंथि उसे कहते हैं, उससे हमारे सिस्टमिक टॉक्सिन्स जो होते हैं वो बाहर निकाले जाते हैं। हमारे शरीर में हम जो अन्न सेवन करते हैं उससे पचन होता है, जो एक्सक्रीटरी भाग तैयार होता है वो रोज़ फीकल मैटर के द्वारा सुबह बाहर निकाल दिया जाता है, जो लिक्विड होता है वो यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। दिस इज़ वेरी गुड। और जिनमें अगर कॉन्स्टिपेशन की तकरार होती है, जिनको एक अल्टरनेट डे टॉयलेट को जाने की हैबिट होती है, या फिर रोज़ सुबह पेट साफ नहीं होता, या फिर जो लोग कम पानी पीते हैं, कम लैट्रिन को जाते हैं, उनके शरीर में ये जो टॉक्सिन्स हैं वो स्टोर होते जाते हैं, और वो स्टोर होने के बाद ये टॉक्सिन्स सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन उनका होता है, और उसके बाद उसका जो व्यक्तिकरण होता है वो स्किन पे आ जाता है, और फिर उससे स्टार्ट होते हैं स्किन के डिसीजेस या फिर पिंपल्स या फिर उनके दाग। तो आप अगर स्किन के बारे में यहाँ पे सोच रहे हो तो सबसे पहले आप वॉच कीजिए आपके एक्सक्रीटरी हैबिट्स कैसे हैं, आपके कॉन्स्टिपेशन की तकरार तो नहीं है, आपका बॉवल मूवमेंट्स अच्छी तरह से साफ हो रहे हैं, ये आप ध्यान में लीजिए। और अगर आपको ये नहीं हो रहा है तो आप अपने वैद्य से पूछकर एक अच्छा सा कोई कॉन्स्टिपेशन के लिए दवाई अगर स्टार्ट करते हो तो उसका असर स्किन पे आना चालू हो जाता है और आपकी स्किन भी ग्लोइंग करना शुरू हो जाती है। एक छोटा सा इसमें आप कर सकते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन की तकरार होती है, रात को सोते समय एक ग्लास गर्म दूध उसमें एक चम्मच गाय का तूप मिला के आप पी सकते हो, जिससे बॉयल सॉफ्ट रहता है और आपके बॉल मूवमेंट्स अच्छे तरह से क्लियर हो जाएंगे। दूसरा आप इसके बारे में एक और कर सकते हो, ब्लैक रेजिन्स जिसे बोलते हैं, वो रात को सोते समय चबा के आप खाओगे और उस पर आप दूध पी के सोओगे तो आपके कॉन्स्टिपेशन की जो तकरार होती है वो भी दूर होती जाएगी। तो ये एक छोटा सा पार्ट हमने पाचन संस्था के रिलेटेड हमने देखा था। दूसरा इसमें भाग हम देखने वाले हैं कि त्वचा कब तैयार होती है और कैसी तैयार होती है, स्किन की लेयर कब तैयार होती है। जब माँ के पेट में बच्चा तैयार होता है तो पाँचवें महीने में उसके पूरे स्किन पूरे शरीर की स्किन जो होती है वो तैयार होने लगती है। कैसे? जैसे दूध आप उबालने रखते हो उस पे गाढ़ा लेयर क्रीम का जो बनता जाता है, वैसे ही पूरा शरीर तैयार होते समय जो क्रीम का लेयर तैयार होता है वो होता है स्किन। तो आपको अगर कोई माँ अभी कंसीव होने का विचार कर रही है या कोई लेडीज़ यहाँ पे कंसीव हो रहे हैं, तो आपको अगर लगता है आपके बच्चे की स्किन अच्छी हो तो आप इसमें ज़रूर ध्यान रख सकते हो, वैद्य के पास जाके कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ वहाँ से ले सकते हो, ताकि आपके होने वाले बच्चे की रूट से ही स्किन जो हो वो अच्छी तरह से तैयार हो और फ्यूचर में उनको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कभी भी ना हो। इसके लिए जब बच्चा पेट में होता है तभी आप प्रयत्न करते हो, कोशिश करते हो, तो बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट्स आपको दिखाई देते हैं। जब कोई कंसीव हुआ है, माँ के पेट में बच्चा है, तब अगर वो लेडी दूध तूप घी लोणी बटर, बटर मीन्स अमूल वाला बटर नहीं, जो दूध से निकाला गया बटर होता है वो सेवन करते हैं, तो वो उससे बेबी की स्किन बहुत अच्छी तैयार होती है। और आपके खाने में अगर आप शतावरी कल्प जैसी दवाई दूध में मिला के लेते हो तो उससे आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है, आपकी सेहत भी अच्छी रहती है और आपके बच्चे की जो बनने वाली स्किन है वो भी बहुत अच्छी बनेगी। तो अगर हम देख रहे हैं स्किन कैसी तैयार होती है, तीन लेयर्स रहते हैं स्किन के। बाहर का जो होता है वो एक्टोडर्म, मिडल वाला जो होता है वो मीजोडर्म, और अंदर वाला होता है वो जो एंडोडर्म होता है। स्किन के जिस पार्ट में कोई भी डिफ़िकल्टी हो या कोई भी डिसीज़ हो उसके हिसाब से वैद्य को उसकी आयुर्वेदिक औषधि की योजना करनी पड़ती है। स्किन का और मन का भी बहुत अच्छा संबंध आयुर्वेद में बताया गया है। वो कैसे? जैसे आहार के गुण मैंने बताए आपको, सत्व रज और तम ये आहार के गुण हैं, वैसे ही मन के भी गुण हैं सत्व रज और तम। अगर कोई व्यक्ति सात्विक स्वभाव की है, बहुत शांत है, सुविचारी है, तो उनको स्किन के बारे में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती नहीं है, या फिर उनकी स्किन जो है वो ज़्यादा ग्लोइंग और हेल्दी हमें दिखाई देती है। और अगर कोई व्यक्ति होती है
जो बहुत चिड़चिड़ी बहुत चिड़चिड़ करते हैं, किसी पे चिल्लाते हैं या फिर बहुत रोते रहते हैं, बहुत निगेटिविटी उनके मन में होती है, तो वही रिफ्लेक्शन आपके स्किन पे भी आता है और वो डलनेस जो होता है वो स्किन पे दिखाई देता है। तो इसका हम ज़रूर विचार करेंगे। किसके बारे में? अगर आहार के बारे में, आपका दोपहर का और रात का खाने का जो समय है वो बहुत टाइम टू टाइम होना चाहिए। दोपहर का खाना आप जो खाते हो वो ज़्यादा से ज़्यादा 11 से 1 बजे तक आप खाना कंप्लीट कर सकते हो। शाम का खाना जो है वो आप 7 से 8 के बीच में कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई टाइमिंग आप रखते हो तो वो पित्त का टाइमिंग निकल जाता है और उसके हिसाब से फिर अन्न का पचन ठीक से नहीं होता है, फिर तैयार होती है पाचक पित्त की बीमारी और पित्त बिगड़ता जाता है, फिर शरीर में हीट बढ़ती जाती है, फिर उसका व्यक्तिकरण जो होता है वो स्किन पे आता है और स्किन के डिसीजेस चालू हो जाते हैं। आयुर्वेद हमें क्या बताता है? 12 आवर्स में 2 बार हमें अच्छी तरह से भूख लगनी चाहिए और 1 बार हमारा पेट पूरी तरह से साफ होना चाहिए। तो अगर आप हर 2 घंटे में कुछ खा रहे हो या फिर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, तो आप पहले अपनी आदतें विटनेस कीजिए, उसके बारे में आपके वैद्य के साथ आप डिस्कशन कीजिए और उसके हिसाब से अगर आप कोई ट्रीटमेंट लेते हो तो फिर आपका स्किन ग्लो और हेल्दी होना तो बनता ही है। उसके बाद हम आते हैं कि आहार कितना होना चाहिए। हर एक का आहार अलग अलग होता है, हर एक की प्रकृति अगर अलग है तो हर एक का आहार भी अलग होता है। सेम डिसीज या सेम सिम्टम्स लेके भी 2-4 लोग वैद्य के पास जाते हैं तो भी वैद्य उनको सेम ट्रीटमेंट कभी भी नहीं देता, क्योंकि उनके आहार की और उनकी प्रकृति वो अलग अलग होती है। आपकी जितनी अंजुली होती है उतना पित्त का सिक्रीशन आपके शरीर में होता है, उतनी भूख आपको लगती है, तो आपको अपने शरीर के हिसाब से खाना खाना चाहिए और उसके हिसाब से अगर पचन अच्छा होता है तो आहार रस अच्छा तैयार होता है। आहार रस अच्छा तैयार होता है तो आपके शरीर का पोषण अच्छा होता है, आपके स्किन का पोषण अच्छा होता है एंड फिर आपके स्किन के बारे में कोई भी प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं देती है। तो आहार अगर आप सेवन कर रहे हो तो इसके लिए एक बहुत अच्छा श्लोक आयुर्वेद में बताया है, अजल्पम अहसन तन्मना भुंजीत। इसका अर्थ भी मैं आपको बता देती हूँ कि आहार सेवन करते समय एक जगह पे बैठ के आपको किसी से भी बात ना करते हुए, किसी से भी साथ ना हंसते हुए पूरा तन मन आहार के साथ लगा के 10-15 मिनट में आपका जो खाना है वो खत्म होना चाहिए। लेकिन अभी हम देखते हैं कि कोई लोगों को आदत होती है व्हाट्सएप फेसबुक देखते देखते खाना खाते हैं, या फिर कोई सीरियल होती है उसके टाइमिंग में सीरियल देखते वक्त हम खाना खाते हैं, या फिर कोई बहुत हड़बड़ी में होता है तो खड़े खड़े किसी प्लेट में लेके खाना खाना चालू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें गलत है। आहार से ही हमारा शरीर है, आहार से ही हमारी स्किन है, हमारे हेयर कि जो प्रॉब्लम है वो होने वाले हैं। तो अगर आपका आहार आप सेवन कर रहे हो तो एक जगह पे बैठ के पूरे तन मन से उसके साथ एक रूप होके आप खाना खाते हो तो उससे आपके शरीर का अच्छी तरह से पोषण होगा। ये बताना मुझे बहुत ज़रूरी था क्योंकि कोई भी चीज़ का डिसीज़ के अनुसार हम आजार डिसीज़ के अनुसार हम विचार करने से पहले भी स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए वो अगर आयुर्वेद के हिसाब से हम देखते हैं तो बाद में फिर होने वाली जो बीमारियां हैं उनके ट्रीटमेंट भी हम देख सकते हैं। तो ये एक ब्रीफली हम आयुर्वेद का थोड़ा सा सार देखते हुए अगर हम अभी आते हैं स्किन के बारे में, तो बहुत लोगों को या फिर बहुत स्त्रियों के बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो होता है पिंपल्स का। स्किन में जब पिंपल्स आने लगते हैं तब वो क्यों निर्माण होते हैं और उसका एज क्या है, उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। संस्कृत में उसे तारुण्य पिटिका ऐसा शब्द यूज़ किया है। तारुण्य मीन्स 16 to 25 ईयर्स में जो आते हैं उसे तारुण्य पिटिका बोलते हैं, और उसके बाद भी अगर आपको 30, 40, 50s में भी पिंपल्स दिखाई दे रहे हैं तो उसे हम तारुण्य पिटिका देख के नहीं ट्रीट करते, उसे त्वचा रोग, त्वचे का डिसीज़, स्किन का डिसीज़ इसके बारे में सोचकर ही उसका अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका फ़ायदा हमें दिखाई देता है। पिंपल्स क्यों निर्माण होते हैं? तो
तो बेसिकली स्किन पे जो सिबैशियस ग्लैंड्स होते हैं उसके ओपनिंग्स होते हैं, उसमें कोई स्त्राव लिक्विड हर रोज़ बाहर आता रहता है। उसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पे पिटी का पिंपल्स आने लगते हैं और फिर वो बड़े होने लगते हैं। अगर आप इसके बारे में कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हो, कोई दवाई खाते हो, तो आपको 1-1.5 महीने के लिए आराम पड़ता है, फिर से उसकी उत्पत्ति होने लगती है। तो रूट कॉज जो होता है वो अलग होता है, वो आप ट्रीट नहीं करते हो और उसके हिसाब से बार बार पिंपल आने की टेंडेंसी आपके स्किन पे दिखाई देने लगती है। पिंपल्स का अब अगर हम सोच रहे हैं तो किसी को छोटे छोटे दाने जैसे पिंपल्स आते हैं, या फिर किसी को बड़े बहुत बड़े बड़े पिंपल्स आते हैं, वो पेन भी बहुत ज़्यादा करते हैं और उसमें बाद में पस भी फॉर्म होता है, फिर उसमें बाद में अंदर एक बीज रहता है, वो फूटने के बाद वो पिंपल चला जाता है। तो हर एक का अलग अलग विचार करके ही यहाँ पे ट्रीटमेंट करनी चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम स्किन प्रॉब्लम्स या फिर पिंपल्स के बारे में विचार कर रहे हैं तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए पित्त दोष का। पाचक पित्त जो आहार के लिए, आहार पचन के लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही भ्राजक पित्त नाम का पित्त पूरे स्किन पे रहता है, जो त्वचा का हेल्दी नेचर हमें देता है। अगर पाचक पित्त बिगड़ जाता है, पूरे शरीर में एसिडिटी जैसी कंडीशन आने लगती है, हाइपर एसिडिटी निर्माण होती है, तो उसकी उष्णता जो होती है वो स्किन पे आने लगती है और स्किन पे पिंपल्स आने लगते हैं। इसमें आप बहुत अच्छी तरह से एक काम कर सकते हो, जिनके शरीर में हाइपर एसिडिटी या फिर पित्त के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वो अगर कामदूधा वटी या फिर प्रवाल पंचामृत वटी ये दवाइयाँ पेट पे लेना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे आपका पित्त बैलेंस होने लगता है और आपके पिंपल्स आने की टेंडेंसी भी कम होने लगती है। इसके अलावा आप अगर आपके खाने में भी गुलकंद जो बाज़ार में मिलता है या फिर अच्छे वैद्य के पास भी आपको मिल जाएगा, गुलकंद आप खाने में आपके रखते हो तो शीतलता मेंटेन रहती है और पिंपल्स की टेंडेंसी कम होने लगती है। इसके बाद एक बहुत सीधा, एक बहुत ही इजी उपाय मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन अच्छी रहे और इसमें पिंपल्स ना हो, तो हर 2-3 घंटे बाद ठंडे पानी से आप पूरे आपका चेहरा जो है उसको धो लेते हो तो वो ग्लैंड्स साफ होने लगते हैं, उसमें कोई भी जंतु संसर्ग, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता है और आपको हेल्दी स्किन मिलती है, पिंपल्स की टेंडेंसी कम होने लगती है। इसके बाद हम आते हैं, अगर आपको लगता है कि पिंपल्स आते हैं लेकिन उसके बाद पिंपल्स चले तो जाते हैं, उसका दाग रह जाता है। बहुत लोगों की ये तकरार रहती है कि पिंपल तो चला जाता है पर उसका दाग जो होता है गाढ़ा ब्लैक स्पॉट वहाँ पे रहता है। बहुत लोग होते हैं जिनका ब्लैक स्पॉट भी 8-1 दिन में निकल जाता है, पर बहुत ज़िद्दी कोई दाग होते हैं वो जाते नहीं हैं। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, चंदन जैसे घिस के हम गंध तैयार करते हैं, वैसे आपके आपके मसाले के पदार्थों में जायफल नाम की एक दवाई वहाँ पे रहती है, वो जायफल भी उस पे घिस के उसका जो गंध है वो आप अगर वो दागों पे लगाते हो और 1-2 घंटे रख के उसको फिर धो लेते हो, तो वो दाग जो होते हैं पिंपल्स के वो भी कम होने के लिए बहुत मदद हो जाती है। पिंपल्स आते हैं, उनके दाग रहते हैं। इसके बाद एक तकरार हो जाती है, वो है कि स्किन पे खड्डा गिर जाता है। ये बहुत रेयर कंडीशन होती है, उसमें मांस धातु जो है स्किन पूरी खराब हो जाती है। तो इस हिसाब से भी आयुर्वेद वैद्य के पास अच्छे लेप, अच्छा फेस पैक और पेट में कुछ दवाइयाँ अगर आप लेते हो तो वो खड्डा जो होता है वो भी उभर आने में आपको मदद हो जाती है और आपके स्किन के प्रॉब्लम्स जो है वो दूर होने लगते हैं। ये तो हो गया पचन और एक्सटर्नली हम क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन स्किन का और हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसका भी बहुत ज़रूरी संबंध यहाँ पे देखना चाहिए। जैसे ही प्यूबर्टी आ जाती है उसके बाद पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं बहुत छोटी बच्चियों में, उसके बाद भी जिनके पीरियड्स इरेगुलर है या फिर जिनको पीरियड्स में पेन होता है या फिर जिनको 1-1.5 महीने बाद पिंपल्स मेंसेस आते हैं, बहुत पेन होता है, तो उनको पहले अगर वो लोग उनके मेंसेस ठीक करने के लिए कोई ट्रीटमेंट लेते हैं
तो उनके मेंसेस का फ्लो अच्छा तैयार हो जाता है, गर्भाशय यूटरस को बल मिल जाता है, हार्मोन का जो बैलेंस शरीर में है वो अच्छी तरह से बैलेंस हो जाता है और उसका इफेक्ट आपके स्किन पे आता है और फिर ये पिंपल्स की टेंडेंसी कम होके स्किन पे फिर से ग्लो आना शुरू हो जाता है। तो आप अगर स्किन के लिए विचार कर रहे हो तो बी श्योर कि आपके मेंस्ट्रुअल हाइजीन और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में भी आप अपने वैद्य के साथ डिस्कशन करके उनसे मेडिसिंस लेना ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगी। पिंपल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, स्किन के बारे में, चेहरे के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगी, मेकअप। क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है कि बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स बाज़ार में आए हैं और बहुत सारी ट्रायल्स बहुत सारे लेडीज़ अपने स्किन पे करते हैं। तो बी वेयर कि आपके स्किन प्रोडक्ट आप कौन से यूज़ कर रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा हर्बल आप यूज़ करते हो तो वो बहुत अच्छी बात है, जितना कम केमिकल बेस उसमें हो उतना अच्छा है। एक तो हम सजेस्ट करेंगे कि कोई भी तरह का मेकअप शरीर पे अप्लाई करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब आप मेकअप अप्लाई करते हो जितने ज़्यादा टाइम आप मेकअप शरीर पे आपके स्किन पे रखते हो उतना ही ज़्यादा उसके टॉक्सिन्स का सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन भी होता रहता है। आपको अभी नहीं लगा तो भी रिमोट नज़दीक के फ्यूचर में आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो दिखाई देते हैं। तो बहुत ये जानना ज़रूरी है कि आप कौन से स्किन प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, और आप जो स्किन प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उसको आपकी एलर्जी नहीं है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि कोई भी मेकअप आप यूज़ करते हो तो वो रात को रिमूव करके ही आपको सोना है। कितने भी आप थके हुए हो, आपको बहुत लेजीनेस आया हो, लेकिन कभी भी मेकअप शरीर पे रख के रात को सोना नहीं है। क्योंकि आजकल कोई शोज़ होते हैं या फिर कोई डेजिग्नेशंस होता है किसी का, मेकअप अप्लाई करना ज़रूरी हो जाता है, तो श्योरली गो फॉर दैट। लेकिन ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखिए, आप कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, उसमें क्या कंस्टिट्यूशन है और उसका आपके स्किन पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखिए। दूसरा एक भाग इसमें मैं बताना चाहूँगी कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यूज़ कर रहे हो उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो या फिर उस आपके स्किन पे एक हेल्दी ग्लो आना आपको लगता है, आपकी इच्छा है, तो आपके वैद्य के पास जाके कोई भी अच्छा सा फेस पैक आप उनसे ले सकते हो। आयुर्वेदिक फेस पैक को मुखकांति लेप ऐसे वर्णन किया गया है। कुछ संस्कृत शब्द है जो, क्योंकि आयुर्वेद संस्कृत में ही है तो ये संस्कृत शब्द तो ऑब्वियसली आएंगे। तो मुखकांति लेप आप ले सकते हो, हर दूसरे दिन अगर आप उसे गुनगुने पानी में या फिर मिल्क के साथ मिक्स करके उसका पूरा फेस पैक लेप पे पैक लगाते हो और वो ड्राई होने के बाद चेहरा धो डालते हो तो बहुत अच्छी तरह से स्किन पे ग्लो आ जाता है, स्किन के ग्लैंड्स क्लियर हो जाते हैं। मेकअप अगर जो लोग रेगुलरली करते हैं उनको तो ये करना मैं रिकमेंड करूँगी ही, क्योंकि मेकअप के साइड इफ़ेक्ट्स इससे बहुत कम हो जाते हैं। तो स्किन के बारे में ये वाली चीज़ें हम ज़रूर याद रखेंगे। उसके बाद हम आते हैं डीवर्मिंग प्रोसेस की तरफ, क्योंकि वर्म्स का और स्किन का बहुत नज़दीक का संबंध आयुर्वेद में बताया गया है। वर्म्स अगर आप सोचते हो कि मैंने डीवर्मिंग किया है या फिर एक कोई तो टैबलेट ली है, तो ये आयुर्वेद के हिसाब से नहीं है। आयुर्वेद में 20 प्रकार बताए गए हैं वर्म्स के, जिसे कृमि बोला जाता है या फिर जंत बोला जाता है। आप छोटे बच्चों में भी देख सकते हो कि अगर वो बहुत स्वीट खाते हैं, बहुत चॉकलेट्स खाते हैं, या फिर जो छोटे बच्चे कुरकुरे, लेज, डोरिटोस जैसे ये पदार्थ बाहर के जो होते हैं वो ज़्यादा खाते हैं, उनके शरीर में ज़्यादा जंत या फिर कृमि निर्माण होते हैं, और जो कृमि है फिर उनका वाइट स्पॉट जो होता है वो स्किन पे आता है, कभी आता है कभी निकल जाता है। तो आप बोलते हो कि छोटे बच्चों में डीवर्मिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, मगर ये 20 प्रकार के कृमि जो आयुर्वेद में बताए गए हैं वो बहुत अलग है। वो फीकल मैटर के अलग होते हैं, अपने आंतड़ियों में जो होते हैं वो अलग होते हैं, आपके रक्त में जो भी कृमि होते हैं वो भी अलग होते हैं। तो आप जब आयुर्वेद वैद्य के पास जाते हो तो आपके नाड़ी के अनुसार वर्म्स का कोई मेडिसिन आप लेते हो तो उसके हिसाब से ये वाइट स्पॉट्स या फिर स्किन के प्रॉब्लम्स दूर होने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। पहले वाले जो लोग थे वो ऐसे बोला जाता था उनके पास कि एरंड तेल जो है, कैस्टर ऑयल जो है,
वो हर एक 10 दिन में 15 दिन में वो लोग लेते थे और अपना कोठा जो है वो साफ कर देते थे। पर्गेटिव जैसा वो एक्शन होता था और उनकी स्किन जो होती थी वो बहुत अच्छी रहती थी। अगर आपको अभी नहीं लगता है कि एरंडल तेल या फिर आप नहीं ले सकते हो कैस्टर ऑयल, तो आपके वैद्य के पास जाके त्रिफला चूर्ण जैसी दवाई आप ले सकते हो या फिर गंधर्व हरीतकी जैसी दवाई आप ले सकते हो, जो नित्य विरेचन नित्य आप ले सकते हो, आपका पेट साफ करने के लिए ले सकते हो। तो इसका उपयोग आपको ऐसे होगा कि वो टॉक्सिन्स जो है वो शरीर के बाहर चले जाएंगे और उसका ग्लो आपके स्किन पे आपके चेहरे पे आएगा। तो कृमि का जो विचार है, जंत का जो विचार है, वो सिर्फ छोटे बच्चों में हमें नहीं करना है, अडल्ट में भी हमें इसका विचार करना चाहिए। उसके बाद एक सेकेंड थॉट मैं यहाँ पे लेना चाहूँगी कि स्किन में बहुत लोगों को अंडर आई ब्लैक सर्कल्स जो होते हैं वो बहुत दिखाई देते हैं, तो वो कम करने के लिए भी बहुत सारे केमिकल्स या फिर प्रोडक्ट्स हम यूज़ करने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़िद्दी होते हैं, जल्दी चले नहीं जाते। अगर इस बारे में हम सोच रहे हैं, आई के बारे में, डार्क सर्कल्स के बारे में हम सोच रहे हैं, तो उसमें तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो हेरिडिटरी इसमें चेंजेस आ सकते हैं, आपके नानी से, आपके मदर से, फिर वो आप में अगर आ रहे हैं तो उसको घटाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और उसके लिए अलग से दवाई योजना करनी पड़ती है। दूसरा उसका रीज़न होता है, रात को अगर आप लेट सोते हो, 12, 1, 2 बजे तक आप जगते हो, तो उसका इफ़ेक्ट आइज़ पे आता है, आइज़ पे स्ट्रेन आता है और अंडर आई पे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। तो आपको ये अगर कम करना है तो बी श्योर कि आपका रात का खाना 9 बजे तक ख़त्म हो रहा है और 10, 11 बजे आप सोने जा रहे हो, तो धीरे धीरे ये डार्क सर्कल्स भी कम होते जाएंगे। और तीसरा इसका अगेन पाचन संस्था से रिलेशन हम लगाएंगे कि आप क्या खाते हो, कितना खाते हो, किस टाइम पे खाते हो और आपके फूड हैबिट्स क्या है, ये अगर जान के आपके वैद्य से पूछ के आप डाइट में थोड़े पर बहुत चेंजेस कर लेते हो, तो फिर ये डार्क सर्कल्स भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ये डार्क सर्कल्स कम करने के लिए भी आयुर्वेद में बहुत अच्छे लेप बताए गए हैं, जिसमें आंवला की चूर्ण है, पुनर्नवा है, रजनी चूर्ण है, ये सारे एक साथ करके आप उस पर लेप कर देते हो हर रोज रात को सोते समय, तो ये डार्क सर्कल्स भी धीरे धीरे आपके कम होने लगते हैं। एक बहुत अच्छा उपाय आपको बताना मैं चाहूँगी, बादाम का तेल, बालों को लगाने वाला नहीं, खाने वाला बादाम का तेल मिलता है। आपके वैद्य के पास जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा बादाम का तेल मिल जाएगा। दोपहर के खाने के टाइम पे आप जब पहला निवाला खाते हो, उसके बाद अगर 2 बूंद उसमें चपाती पे डाल के आप वो बादाम का तेल खाते हो और उसके बाद पूरा बाकी का खाना आप खाते हो, तो उसका इफ़ेक्ट भी आपके डार्क सर्कल्स कम करने में बहुत अच्छी तरह से आता है। तो ये सारी चीज़ें हम स्किन के बारे में देख रहे हैं और जिसका बहुत अच्छा आयुर्वेद में जो इफ़ेक्ट है वो बताया गया है। उसके बाद हम आएंगे, एक तरह का ट्रीटमेंट होता है स्किन प्रॉब्लम्स अगर आपको है, बहुत बड़े पिंपल्स है, जा नहीं रहे हैं या फिर पिंपल्स के दाग है वो आपको घटाने हैं, तो जलव का लीच थेरेपी नाम की एक थेरेपी आयुर्वेद में की जाती है, जिसमें वो लीच जो है वो वहाँ पे लगाई जाती है। वो जब वहाँ पे लगती है तो वहाँ से टॉक्सिन्स या फिर अशुद्ध रक्त जो है वो सक कर लेती है और फिर वो गिर जाती है। आपके वैद्य को पूछ के आप अगर स्किन के लिए ये लीच थेरेपी करवा लेते हो तो ये आपके स्किन के लिए बहुत बहुत उपयोगी आपको लगेगी। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं एक स्किन के बारे में ही, लेकिन ऐसा दिखाई जाता है कि ब्रेक होता है, हाथ और पैरों की जो स्किन होती है उसमें ब्रेकेजेस हमें दिखाई देते हैं या फिर हील क्रैक, क्रैक हील जैसी कंडीशन हम देखते हैं, तो बहुत बार बाहर जाते वक्त या फिर किसी के साथ बात करते वक्त ये वाली चीज़ अगर होती है तो बहुत लोगों को ऑकवर्ड फीलिंग होता है। तो अगेन दिस इज़ रिलेटेड टू स्किन डिसऑर्डर्स ओनली। तो हम इसमें एक कर सकते हैं कि जिनमें स्वेद की प्रवृत्ति कम होती है, यानी ग्लैंड्स ओपन नहीं होते, उनमें ये ड्राइनेस बढ़ता जाता है, वात की विकृति बढ़ती जाती है और क्रैक्स जो होते हैं स्किन पे वो ज़्यादातर दिखाई देते हैं। तो आप ज़्यादातर एक्सटर्नली लोशंस लगाते हो, लेकिन इसका बहुत अच्छा उपाय आपको करना चाहिए, आपके शरीर में स्निग्धता जो है, आपके शरीर में ऑयलीनेस जो है कम हुआ है वो आपको बढ़ाना चाहिए। वो आपके आहार से आप बढ़ा सकते हो, आहार में घी,
तूप जो होता है वो नित्य सेवन में आपको रखना चाहिए, ताकि आपके पूरे शरीर का पोषण होता है, स्किन में ड्राइनेस नहीं आएगा और फिर क्रैक हील्स या फिर क्रैक पाम्स जैसे जो बीमारियाँ दिखाई देती है वो अपने आप कम होने लगती है। आजकल बहुत बार ऐसा होता है कि डाइट में चेंजेस की वजह से या फिर वज़न बढ़ने लगा है, इस वजह से बहुत लोग जो होते हैं वो डाइट में घी का परिणाम प्रमाण जो होता है वो बहुत कम कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि भैंस का दूध जो होता है वो शरीर के लिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन गाय का जो दूध होता है और उससे तैयार हुआ जो घी होता है वो शरीर के लिए, आपके स्किन के लिए और ड्राइनेस कम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक्सटर्नली आपको यहाँ पे अगर कुछ करना है, ये क्रैक हील या फिर क्रैक पाम्स आपको कम करने हैं, तो कैलाश जीवन नाम की दवाई बाजार में आपको मिल जाएगी। रात को रोज सोते समय आप वो कैलाश जीवन आपके हाथों पैरों को मल के फिर उसमें सॉक्स चढ़ा के आप सो सकते हो, ताकि उस जगह पे स्निग्धता आ जाएगी, ऑयलीनेस आ जाएगा और वात कम हो जाएगा और वो क्रैक हील हो जाएंगे। दूसरा एक प्रकार आप कर सकते हो, कोकम जिसे बोलते हैं, अमचूर का पानी करके, कोकम का पानी करके आप वहाँ पे लगा सकते हो, उसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट इस क्रैक्स पे आ जाता है। और तीसरा एक बताना चाहूँगी मैं, गोमूत्र, गाय का जो यूरिन होता है उसे गोमूत्र बोलते हैं, गोमूत्र रोज ताज़ा अगर आपको मिलता है वो आप हाथों पैरों पे लगाते हो तो क्रैक्स की तकलीफ भी बहुत कम होती जाती है। स्किन के बारे में और मन के बारे में जब मैं बोल रही थी तब मैं ये बताना आपको चाहती थी कि बहुत सारे लोगों को स्किन पे, पूरे हैंड्स पे या लेग्स पे बड़ी बड़ी गांठें आने लगती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हीट बहुत बढ़ गई है और अर्टिकैरिया जैसा ये डिसीज़ जो है वो आने लगता है। तो आपके खाने में अगर ये घी का प्रमाण अच्छी तरह से होता है और आप एक्सटर्नली आमसुल का पानी आप लगाते हो तो ये अर्टिकैरिया जैसा जो डिसीज़ है उसमें भी बहुत कम होते हुए आपको दिखाई देगा। लेकिन इसका रूट अगर पाचन संस्था से रिलेटेड है तो आपके वैद्य को नाड़ी दिखा के आपको श्योरली उसका ट्रीटमेंट करना और रूट कॉज दूर करना बहुत इसेंशियल हो जाता है। स्किन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो एक बात और डिस्कस करेंगे। आप बहुत बार ये हो जाता है कि स्वेद की प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि अंडर आर्म्स में ज़्यादा स्वेद आने लगता है और उसका जो ओडर है वो ख़राब होने लगता है, तो ज़्यादा डियो का यूज़ लोग करने लगते हैं, तो ये गलत बात है। अगर आपके शरीर में हीट बढ़ रही है, आपके शरीर में पित्त बढ़ रहा है, तो आपके अंडर आर्म्स में या फिर आपके प्यूबिक रीजन में या फिर आपके पूरे ओवरऑल शरीर में जो स्वेद होता है वो ज़्यादा बढ़ने लगता है और फिर उसको जो है एक ख़राब ऐसा ओडर आने लगता है। आप अगर पेट में पित्त कम करने वाली दवाइयाँ लेते हो, जैसे मैंने आपको अभी बोला सूत शिखरवटी या फिर गुलकंद आपके खाने में आप रखते हो, तो ये पित्त बैलेंस होने लगता है, आपका जो स्वेद को आने वाला ओडर है, अंडर आर्म्स का ओडर है वो कम होने लगता है और आप जो डियो का यूज़ कर रहे हो बॉडी पे वो भी आप कम करना फिर चालू करते हो, क्योंकि आप जब डियो मारते हो तो वहाँ के जो ग्लैंड्स है, सेबेशियस ग्लैंड्स वहाँ पे भी जो होती है वो ब्लॉक होते लगती है और वो स्किन के लिए बिल्कुल हानिकारक है। क्योंकि अगर आप ज़्यादातर डिओड्रेंट्स का यूज़ करते हो तो ऐसे लोगों में बीपी हाई होने के भी प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देने लगते हैं। तो अगर आप परफ्यूम्स यूज़ करते हो क्लोथ्स पे दैट इज़ गुड, लेकिन बॉडी पे आपको कोई भी डिओड्रेंट जैसा जो भाग है वो आप ना यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सब बताते समय मैं और एक बार बताना चाहूँगी कि आपके खाने में सात्विक अन्न जैसे हम रखते हैं और जो राजसिक तामसिक है, जैसे बहुत तीखा मसालेदार रोज पाव भाजी जैसा ऐसा जो खाना है वो आपको बहुत कम करना होगा। और जो दूध दूध घी ताक आपके हर रोज़ के खाने में आप रखोगे तो आपको इससे बहुत बहुत फ़ायदा दिखाई देगा। आहार के बारे में हम बोल रहे हैं, स्किन के बारे में, ग्लो आने के बारे में हम बोल रहे हैं, पिंपल्स के बारे में हमने अभी देखा है। उसके साथ ही और एक चीज़ मैं बताना आपको चाहूँगी कि योगा का भी स्किन पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। योगा, इसमें योगासन
इसके साथ ही प्राणायाम और योगासन, इन दोनों का यूज़ इसमें करना चाहिए। आप अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम या फिर कपालभाति प्राणायाम या फिर भ्रामरी प्राणायाम किसी एक्सपर्ट के साथ मिलके सीख लेते हो और रोज़ करना शुरू करते हो, तो आपके बॉडी में हार्मोन के चेंजेस जो आए हैं वो बहुत अच्छी तरह से बैलेंस हो जाते हैं और फिर आपकी स्किन ग्लो करना शुरू हो जाती है। इसके साथ ही आप कपालभाति रोज करना चालू करते हो और कोई योगासन जो बॉडी के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो आप करना चालू करते हो, तो डेली रूटीन में आप इसका इन्वॉल्वमेंट करते हो, तो आपकी स्किन ग्लो करना चालू हो जाती है। इससे एक और फ़ायदा होता है कि बहुत लोगों को होठों के आजू बाजू में भी ब्लैक सर्कल्स या फिर दाग दिखाई देते हैं, तो आप अनुलोम विलोम और कपालभाति करना चालू करते हो तो स्किन पे ये सारे दाग जो है वो कम होने लगते हैं और उससे हेल्दी ग्लोइंग स्किन आपको मिलती है। मैंने 6 बजे स्टार्ट किया था, 45 मिनट्स ऑलरेडी हो गए हैं। हम आज स्किन और हेयर के बारे में बात करने वाले थे, लेकिन स्किन के बारे में बोलते बोलते ही हमें इतना टाइम हो गया है, तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं और नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं जिसमें हम हेयर के बारे में पूरा डिटेल जानकारी आयुर्वेद के हिसाब से लेंगे। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी डिस्कशन करना हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हो, मैं ज़रूर उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। कीप फेथ इन आयुर्वेदा, कीप फेथ इन अस, थैंक यू। मैं अभी कुछ यहाँ पे कमेंट्स सेक्शन में जाके देख लेती हूँ कि किसी ने कोई क्वेरी अगर पूछी है तो उनको हम आंसर कर लेते हैं। प्रियंका नायर हैज आस्क समथिंग फॉर इम्यूनिटी ऑफ किड्स। ओके प्रियंका, आयुर्वेद में इम्यूनिटी के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई है, तो सबसे पहले मैं एक तो बताना चाहूँगी कि आप वैद्य के पास जाके डीवर्मिंग का जो दवाई होता है वो आप ले लेना। जंत कृमि जो होते हैं उससे भी छोटे बच्चों में जो होता है वो खाने पीने की तकरार आ जाती है और उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होने लगती है। उसके साथ ही अगर आप शतावरी कल्प जैसी दवाई वैद्यों से लेते हो, उसको रोज़ देते हो, या फिर आप च्यवनप्राश जैसी दवाई वैद्यों से लेते हो, उसकी मात्रा जो होती है वो बच्चों के अनुसार अलग होती है। 1 साल से लेकर 16 ईयर तक बच्चों को च्यवनप्राश आप दे सकते हो। इवन आपकी स्किन अच्छी रहे इसके लिए भी आप च्यवनप्राश खा सकते हो, लेकिन वो कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, वो एक बार आपके डॉक्टर को मिलके आप जान लीजिए। और किड्स के इम्यूनिटी के बारे में अगर आप पूछ रहे हो, तो सुवर्ण प्राशन संस्कार इज़ वेरी गुड रिकमेंडेड फॉर किड्स। पुष्य नाम का एक नक्षत्र आता है, महीने में या 2 महीने वो एक बार रहता है, उसकी खास दवाई होती है जो वैद्यों के पास मिलती है। प्लीज़ बाज़ार में जो दवाइयाँ मिलती है उस पर आप बिलीव मत करना, क्योंकि उसमें अगर सुवर्ण यूज़ करना है तो अच्छा और वैद्यों के पास का ही हमें यूज़ करना है। तो अगर ये चीज़ें आप बच्चों के लिए करते हो तो इनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगी। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन मीट मी एट मगरपट्टा। थैंक यू प्रियंका। व्हाट यू रिकमेंड फॉर राहिदा हैज आस्क्ड समथिंग फॉर हेयर फॉल एंड डैंड्रफ। राहिल, आई एम कमिंग टू हेयर सेक्शन बट नॉट इन दिस पार्ट, क्योंकि आज अभी बहुत टाइम हो गया है, लेकिन मैं आपका बताना चाहूँगी कि आपका अगर हेयर फॉल हो रहा है और डैंड्रफ हो रहा है तो आप आपके वैद्य से मिलके एक अच्छी तरह का आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस का ऑयल आप ले लो और उसको धीरे से स्काल्प पे मसाज करना आप स्टार्ट कर लो। सेकेंडली, जैसे मैंने आपको अभी बताया, आपके डाइट के हैबिट्स क्या है वो एक बार जान लो, जंक फूड जैसे पदार्थ आप कम कर लो और पेट में घी लेना शुरू कर दो, तो ड्राइनेस कम होता जाएगा, डैंड्रफ कम होता जाएगा और हेयर फॉल की तकलीफ जो है वो भी कम होती जाएंगी। बट आई विल डेफिनेटली डू द डिटेल्स ऑन दिस ऑन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू राहिदा। पल्लवी महाकाल हैज आस्क्ड थायरॉइडसाठी काही उपाय। हो पल्लवी, आयुर्वेदामध्ये थायरॉइडसाठी खूप चांगले औषधंही आलेली आहेत। थायरॉइड ग्लँड जी आहे ती आपल्या शरीरातली मास्टर ग्लँड म्हणून ओळखली जाते। तिच्यामध्ये काही विकृती होत असेल तर पूर्ण शरीरामध्ये किंवा पाळीवर सुद्धा त्याचे परिणाम आपल्याला आलेले दिसून येतात आणि मग बीजाशयावर किंवा PCOD-सारखे चेंजेससुद्धा दिसून येतात। तर आपण आत्ता जसं डिस्कस केलं त्याप्रमाणे आहारावर थोडासा नियंत्रण ठेवायचा,
आपल्या डॉक्टरांना भेटून, आपल्या वैद्याला भेटून आयुर्वेदिक औषधं चालू करायची ह्या बाबतीतली. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, अनुलोम विलोम, भ्रामरी आणि कपालभाती हे प्राणायाम करायला चालू करा. तुम्ही मला एकदा भेटलात तर अजून काही व्यायाम मी तुम्हाला शिकवून ठेवू शकते की ज्याच्यामुळे थायरॉईडचं स्टिम्युलेशन हे चांगल्या पद्धतीने केलं जातं आणि त्याच्या लेवल्स ज्या आहेत त्या पुन्हा नॉर्मल यायला तयार होतात आणि तुमच्या ज्या थायरॉईडच्या गोळ्या आहेत त्यासुद्धा हळूहळू आपल्याला कमी करता येऊ शकतात. थँक्यू पल्लवी. दिव्या सेट हॅज आस्क्ड टू इम्प्रूव्ह इम्युनिटी इन किड्स अँड हाऊ टू कंट्रोल हेल्थ. दिव्या, आय हॅव ऑलरेडी आन्सर्ड दिस क्वेश्चन. थँक्यू. दीपमाला सालुंके इज आस्किंग पिगमेंटेशन के लिए क्या सोल्यूशन है. दीपमाला, जो मैंने आपको अभी पिंपल्स के बारे में जो बताया और पिंपल्स के बाद आने वाले ब्लैक स्पॉट्स के बारे में जो बताया, वही जो थॉट है वही पिगमेंटेशन के लिए हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं. लेकिन वांग जैसे मराठी में बोलते हैं या फिर बटरफ्लाई शेप का कोई पिगमेंटेशन अगर स्त्रियों के बारे में हो रहा है तो उसके लिए अलग से कोई लेप आते हैं, तो आपके वैद्य को पूछ के आप वो वाले लेप लगाना चालू कर देते हो. दूसरा, इसका जो संबंध है आपकी यूट्रस से होता है, तो आप अगर चंद्रप्रभा वटी जैसी या फिर पुष्पधनवा वटी जैसी दवाई आपके डॉक्टर को पूछ के लेते हो तो आपके गर्भाशय के स्त्राव जो होते हैं वो अच्छी तरह से बैलेंस होते हैं और उसका परिणाम जो स्किन पे आ रहा है वो कम होता है. दूसरा, दीपमाला अगर इसका संबंध आपके डिलीवरी से, अगर आपकी नॉर्मल है, सीज़र है या फिर आपने डिलीवरी के बाद पूरे शरीर को तेल मालिश की है, नहीं की है, आपके शरीर में वात का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए वो जो बटरफ्लाई पिगमेंटेशन हो रहा है इसके बारे में वैद्य आपको ठीक से ट्रीटमेंट देते हैं. तो यू कैन मीट मी टू गेट डिटेल्स ऑन दिस. थैंक यू दीपमाला. पल्लवी महाकाल, यस आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड. ममता ग्रोवर, हाउ अबाउट थायरॉयड. मैंने आप अभी बताया थायरॉयड के बारे में, आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से दवाइयाँ आई है तो आप दवाइयाँ शुरू कर सकते हो और उसके साथ ही प्राणायाम और योगासन, इसका आप 20 मिनट्स तक एवरी डे यूज़ करते हो तो आपका थायरॉयड भी बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल में आ जाता है. थैंक यू ममता ग्रोवर. एंड पाइल्स एंड कॉन्स्टिपेशन, ओके, दिस इज अनदर टॉपिक नॉट रिलेटेड टू स्किन बट आई विल आंसर अबाउट दिस. पित्त के बारे में अगर हम देख रहे हैं तो वो पित्त अगर नीचे रेक्टम की तरफ बढ़ने लगता है तो वहाँ पे पाइल्स जैसी तकरार होने लगती है. बहुत लोगों को स्किन के अंदर रेक्टम में जैसे कॉन्स्टिपेशन की तकरार होने लगती है, फिर उसको स्ट्रेन करते करते अंदर इरोजन्स निर्माण होते हैं और उसको लग के फिर उसमें स्टूल्स के साथ कभी कभी ब्लड भी आना चालू हो जाता है और वो रिपीटेडली होने लगता है तो फिर आपको आपके रेक्टम के एरिया में पेन होता है. आपके रेक्टम के एरिया में आपको एक तो ठीक से साफ होती नहीं है, स्ट्रेन ज़्यादा करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें दिखाई देती है. तो जैसे मैंने बोला कि आपका आहार का टाइमिंग ठीक से होना चाहिए, डाइट चार्ट आपके वैद्य से पूछ के आप ले सकते हो कि जिसमें आपको बैंगन अवॉइड करना है, ब्रिंजल अवॉइड करना है, बटाटा पोटैटो या फिर कड़धान्य जिसे बोलते हैं वो आपको अवॉइड करनी है और आपके शरीर में घी लेना आप चालू करते हो तो आपकी पाइल्स की तकरार दूर हो जाती है. ममता, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहूँगी, अभयारिष्ट नाम का एक बहुत अच्छा दवाई बाज़ार में मिलता है, आप वो लेना चालू कर दोगे तो पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन की आपकी तकरार दूर हो जाएगी. बट आपको रूट कॉज ट्रीट करना है तो आप ज़रूर वैद्य से मिलके ही दवाई चालू करना. थैंक यू ममता. हाँ, आई हैव टेकन योर क्वेरी. हाँ, थैंक यू. ओके, दीपिका वर्मा इज आस्किंग अबाउट ब्लॉटिंग एंड कब्ज, आई थिंक यू वॉन्ट टू राइट इट. तो ये वात से संबंधित है. पचन अगर आपका ठीक से नहीं होता है, पचन से ही वात, पित्त और कफ निर्माण होते हैं. अगर आपके खाने पीने की जो रूटीन है वो खराब है तो आपका वात भी खराब तैयार होगा, इनडाइजेशन जिसे हम बोलते हैं. तो इनडाइजेस्टेड फूड की वजह से ये टॉक्सिन्स जो है वो शरीर में एक्यूमुलेट होते हैं, वात खराब तैयार होता है और फिर ऐसे लोगों में ब्लॉटिंग, कब्ज या फिर गैसेस की तकरार दिखाई देती है, पेट बहुत फूला हुआ है या फिर पेट को जहाँ पे भी हाथ लगाते हो वहाँ पे बहुत दुखता है, ऐसे दिखाई देता है. सो आपको एक तो आपका डाइट मैनेजमेंट ठीक से करना चाहिए,
टाइमिंग जो है वो बदल दीजिए। दोपहर का खाना 12 बजे तक और शाम का खाना 8 बजे तक आप करना चालू कर दीजिए। आपके खाने में सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वाटर आप लेना चालू कर दीजिए। ताक, छाछ जिसे बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है कब्ज़ दूर करने के लिए। और जैसे मैंने बोला, घी का अच्छा उपयोग आप कर सकते हो इसमें। और एरंडा तेल, कैस्टर ऑयल, गंधर्व हरीतकी या फिर त्रिफला चूर्ण, इसका आप यूज़ करना चालू करोगे तो धीरे धीरे ये तकरार जो है आपकी कम होती जाएगी। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी आप एक बार नाड़ी दिखा के इसका इलाज ज़रूर करवा लेना। थैंक यू दीपिका, थैंक यू ममता, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कीप फेथ इन आयुर्वेदा, कीप फेथ इन अस। फॉर एनी डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन मैसेंजर। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।